इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। बल्दिया इंतखाबात की सरगर्मियां जारी है। दरबार गली में आम आदमी पार्टी के इस इजलास में आदिल बागलकोटी के लिए बेंगलोर से पृथ्वी रेड्डी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले सर, आपकी पार्टी यहाँ पर आई हुई है पहली मर्तबा, वैसे तो पार्टी के निशान पर पहली मर्तबा ये चुनाव लड़ा जा रहा है इंतखाबात। मुझे ये बताइए कि आपने जैसे अभी सड़क बिजली पानी की भी बात की है, जब बेलगाम शहर स्मार्ट सिटी के तहत ही सब तमाम चीज़ें हो रही हैं और आपकी पार्टी भी जो है आम आदमी पार्टी नहीं है, तो लोगों को कैसे रिझाएगी, लोगों को अपनी तरफ माइल कैसे करेगी, क्योंकि दिल्ली छोड़कर आपने कहीं पर भी हुकूमत तो बनाई नहीं है, फिर कैसे आप जो है कर्नाटका में इख्तदार पर आने का ख्वाब देखें? भाई साहब, सबसे पहले ये समझना है कि हम लोग एक बच्चा पार्टी है, 8 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारे जब दिल्ली वासियों ने हमको मौका दिया, सो 5 साल में हमने काम किया जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, लेफ्ट पार्टीज ने नहीं किया, कोई पार्टी ने इतना बढ़िया काम नहीं किया। पहले बार लोगों ने जब चांस दिया था, 67 सीट दिया था 70 में से, दूसरी बार सिर्फ काम, हमने बोला कि हमको धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, जाति की राजनीति नहीं चाहिए, हमको काम की राजनीति और प्यार की राजनीति करनी है। और दूसरी बार सिर्फ काम के इश्यू के ऊपर हम लोगों ने 70 में से 62 सीट्स लिया। कांग्रेस को दूसरी बार दिल्ली में 0 सीट्स मिले, और बीजेपी जिसका मोदी के वेव के टाइम जब चल रहा था उनको 3 सीट मिला, इस बार जब पूरे 330 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे कैंपेन किया, 13 चीफ मिनिस्टर्स, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स, खुद होम मिनिस्टर अमित शाह घर घर जाके पैम्फलेट्स बांट रहे थे, उसको सिर्फ इस बार 8 सीट मिला। और मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बार हम लोग पहले बार बेलगावी में आए, क्यों बेलगावी में आए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज तक बेलगावी की राजनीति जो चल रही थी, दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी मिल बांट के काट रहे थे, कभी उनका बेलगावी कॉरपोरेशन में, कभी उनका चिन्ह पे, उनके पार्टी के सिंबल पे वो लोग यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। इसीलिए नहीं लड़ रहे थे क्योंकि जब बिना सिंबल के लड़ते हो तो सामने पूरा दुनिया को दिखाने के लिए मैं बोलूँगा तुम चोर हो, वो बोलेगा मैं चोर हूँ, मिल बांट के खाएंगे। और लोग किससे पूछे, कांग्रेस से पूछे या बीजेपी से? आम आदमी जब यहाँ से शुरू किया है, पहली बार इतिहास में एक नया पार्टी यहाँ की राजनीति बदला है। आपने देखा होगा कि इतने दिन सिर्फ खानदानी राजनीति हो रही थी, कि सिर्फ पैसों की राजनीति हो रही थी, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही थी, सिर्फ लैंग्वेज की राजनीति हो, वो सब खत्म करके आज हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दों पे, रस्ते, नालियाँ, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल के बारे में पहली बार चर्चा हो रही है। हमने गारंटी कार्ड दिया, हमने कोई मैनिफेस्टो नहीं निकाला, और पहली बार पार्टी, बाकी पार्टीज भी हमारा मैनिफेस्टो देख के उन पे प्रेशर आया है कि वो भी कुछ बोले कि मैं ये करूँगा। इतने दिन जीते थे लेकिन लोगों को कोई वादा नहीं करता था, लोगों को पता नहीं था कि मैं इसको वोट डालूंगा तो वो करेगा क्या। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और मैं मानता हूँ सबसे जो अच्छा चीज़ हुआ, बेलगावी के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और उनमें से सर मैं बात काटना चाहूँगा आपकी, क्योंकि आपने दिल्ली की बात की है, तो आप ही की सरकार की मौजूदगी में दिल्ली में दंगे हुए, उस पर आपने क्या कदम उठाए सर? सर, दंगे में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, आपको शायद ये मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली में पुलिस हमारे नीचे नहीं आती है। नहीं, लेकिन एक आप मिनट, एक मिनट मैं पूरा करता हूँ। हमारे एमएलए को
पुलिस जितना तंग करता है और किसी को नहीं करता है। 26 एमएलए को उन्होंने अरेस्ट किया है, खुद चीफ मिनिस्टर के घर में उनके बेडरूम में जाके उन्होंने रेड किया। और किसी स्टेट में हो सकता है कि पुलिस के आदमी किसी चीफ मिनिस्टर के घर में घुस सकता है? ये नहीं हो सकता। तो आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जितने रायट्स होते हैं, जितने अटैक्स होते हैं, सबसे बड़ा अटैक्स तो हम पे ही होता है। हम भी उसी चीज़ से लड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमका स्टेटहुड दे दो, पुलिस हमारे नीचे दे दो, हम ये दंगे बंद करेंगे, रेप्स बंद करेंगे, विमेन सेफ्टी ठीक करेंगे और दिल्ली को देश के सबसे सेफ सिटी बनाएंगे। लेकिन वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है कि फुल स्टेटहुड देंगे और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के नीचे देंगे, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो, लेकिन जब उनके हाथ में है वो करवाने के लिए नहीं कर रही है। लेकिन जब इंतजामिया ही आपके हाथ में नहीं है तो आप जुर्म को कैसे रोकेंगे सर, बताइए। सर हम लोग टेक्नोलॉजी से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली के में विमेन सिक्योरिटी बहुत बढ़िया बड़ा चीज़ है, चोरी और क्राइम बहुत बड़ा चीज़ है। तो दुनिया से सबसे ज़्यादा जो सीसीटीवी लगे, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में लगी है। तो जितना हमारे हाथ में है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से सबसे बड़ा टारगेट तो हम हैं। वो जो राकेश अस्थाना, मनीष भाई ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया है कि आगे आने वाले जो पंजाब उत्तराखंड इलेक्शंस के पहले ही उनको, राकेश अस्थाना को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इनके फॉल्स केस लगा के इनको अंदर करो। तो टारगेट्स हम सबसे ज़्यादा हम ही टारगेट। पूरा मुल्की सतह पर धर्म की राजनीति चल रही है सर, जैसे आपने भी कहा जी, जी। तो ये धर्म का जहर जो है लोगों के जहनों में घोला गया है, घोला जा रहा है। तरक्की की बजाय शहरों के नाम बदले जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें आप कैसे जगह बनाएंगे? क्योंकि एक बड़ी तादाद तो भाजपा जैसी पार्टी को वोट कर रही है, तो उनके जहनों को किस तरह से मोड़ पाएंगे सर ऐसे दौर में? सर मैं एक हिंदू हूँ, आप एक मुसलमान हूँ, सोचिए आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देना चाहता हूँ, आपको भी अपने बच्चे को अच्छा सीखना शायद। जब घर में कोई बीमार होता है तो मैं भी चाहता हूँ एक अच्छा क्वालिटी हॉस्पिटल में जाके उनको बेस्ट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट दें। तो लोगों को के मुद्दे हैं, उसमें कोई धर्म नहीं है। आज तक जो हो रहा है, एक पार्टी बीजेपी बोलती है हिंदू कतरे में है, दूसरा पार्टी बोलती है मुसलमान कतरे में। मैं मानता हूँ दोनों कतरे में हैं और दोनों कतरे में है बीजेपी और कांग्रेस से, और किसी से नहीं। हिंदू और मुसलमान इस देश में इतने साल साथ में जिए हैं, प्यार से जिए हैं। उनका जब इतना फेलियर है, डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, कोविड का इतना बड़ा फेलियर हुआ, जब भी कोई उसके बारे में कोई पूछने वाला शुरू करो तो वो धर्म के नाम में कुछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला है कि राम मंदिर बनाना ठीक है, लेकिन राम मंदिर से ज़्यादा राम राज्य बनाओ, जहाँ पे सारे बच्चों को स्कूल जाने का मौका दिया जाए। तो योगी में तो राम राज दिख ही रहे ना सर। वो राम राज जो आज आज जो कुरान में लिखा है और भगवद गीता में लिखा है, वो प्यार की राजनीति, प्यार की बारे में बात करते हैं, लोगों के एक समानता की बारे में बात करती है। कहीं पर ये नहीं बोला गया कि ऐसे करो। योगी का जो हिंदू धर्म है और हमारा हिंदू धर्म है एकदम अलग है जी सर, ठीक है। और मैं बोलता हूँ उनका कोई और मुद्दा है ही नहीं कोविड के बारे में। जब लोग मर रहे हैं, मैं एक आपसे पूछता हूँ, जब ये कोविड लॉकडाउन हुआ और ये माइग्रेंट लेबर जो यूपी बिहार वेस्ट बंगाल से आए और उनका कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जब वो लाख हजारों किलोमीटर चल के घर गए, उनमें जो मरे कौन मरे थे? हमारा देश में 80% हिंदू है, तो लॉजिक बोलते हैं तो हिंदू ही मरे।
तो उस टाइम में उनको हिंदुओं के तरफ कोई प्यार नहीं था, तो ये मुद्दे है नहीं सर? नहीं, मुद्दे नहीं है, लेकिन ये उस मुल्क की बदकिस्मती है कि हर सियासी पार्टी या तो हर सियासी मौजू मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा आपने कहा कि जो माइग्रेंट लेबर थे वो मर गए तो कौन थे, यकीन जैसा आपने कहा कि 80%, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी तरह से कई सारे मुस्लिम मुखालिफ कानून मंजूर किए जाते हैं सर हुकूमत पे, तो ऐसे वक्त में हम ये यकीनन ये इस बात को तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं कि जैसा आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, बंगाल में ममता बनर्जी की है, जो कुछ कर रही है यकीनन सोच को बदलने की कोशिश है, लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ कानून बनते हैं तो तमाम पार्टियां खामोशी क्यों इख्तियार करती है? तो मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल बोलूं। 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को जिता के ले आया, क्या कांग्रेस ने आपके बच्चे के लिए स्कूल बनाया? क्या कांग्रेस ने आपके बुजुर्ग लोग और आपके बीमार लोग के लिए फ्री हॉस्पिटल बनाया? क्या घर में बिजली 200 यूनिट्स फ्री दिया? नहीं, लेकिन ये नहीं तो बात है कि एक मिनट बिल्कुल सर मैं खत्म करता हूँ। जब तक कांग्रेस था, आपको एक वोट बैंक के तरफ यूज किया, आपके लोगों को एजुकेट नहीं किया, क्योंकि अगर आपके बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो खुद की सोच आ जाएगी और पूछेंगे अरे ये तो मेरा काम नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है मेरे से। गरीब रखेंगे क्योंकि जब गरीब को एक वक्त का रोटी मिल जाता है तो आपको भगवान मानने लगेगा, कोई हक नहीं मांगेगा। कभी हमारे देश में किसी ने पूछा है कि मैं जब पेट्रोल डाल रहा हूँ अपने गाड़ी में, 100 रुपया में से ऑलमोस्ट 75 रुपीज उसमें टैक्स में जा रहा है, वो पैसा कहाँ गया, कोई पूछा है? नहीं पूछ रहे ना। वो देश में वो मुद्दे है सर, जब मैं एक मैच बॉक्स लेता हूँ 1 रुपया पे 20 पैसा टैक्स लगता है, वो पैसा मेरा कहाँ गया? स्कूल क्यों नहीं बन रहे रस्ते? आपने स्मार्ट सिटी बोला, स्मार्ट सिटी एक सबको उल्लू बनाने का प्रोजेक्ट है। ये लोग जब ये प्रोजेक्ट का बड़े बड़े नाम बोल के मार्केटिंग करते हैं, लेकिन उस स्मार्ट सिटी में कुछ भी स्मार्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के नाम में लूट होती है और कुछ नहीं होती। नहीं, नहीं, मेरा कहना यह था, मैं बात आपकी इसलिए रोक काट रहा था। लूट दोनों लोग दोनों साइड मिल बांट के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी कर रहा है। आपने 70 साल की भी बात की कांग्रेस, हम कांग्रेस की हिमायत करने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आए, लेकिन जब सत्ता से सवाल किया जाता है तो नेहरू भी आ जाता है, राजीव गांधी भी आ जाता है, इंदिरा गांधी। सर मैं बोल रहा हूँ, जो नेहरू जी इंडिपेंडेंस के बाद जो नेहरू जी इस देश के लिए किया है, अगर वो नहीं करते तो ये पूरा देश अनपढ़ रह जाता, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आज की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि बीजेपी इसीलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस जैसा ऑपोजिशन है। तो बीजेपी के सक्सेस के लिए सबसे बड़ा अगर इस देश में स्टार कैंपेनर है बीजेपी के लिए, वो राहुल गांधी है, अमित शाह और मोदी नहीं। ठीक है, हम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुद्दों से भटक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्दिया इंतखाबात कॉरपोरेशन चुनाव के लिए आए हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, दिगर भी पार्टियाँ हैं, आपने जैसे कहा कि इससे पहले तो निशान के ऊपर नहीं लड़ा जाता था, भाषा धर्म जात पात के ऊपर लड़ी जाती, तो आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली मॉडल को सामने रखकर ही वोट पूछेगी, या यहाँ पर मकामी लेवल पे कुछ काम करी है या करने वाली है? सर दिल्ली मॉडल क्या है? ईमानदार राजनीति का मॉडल है दिल्ली मॉडल, कुछ एक व्यक्ति का मॉडल नहीं है। दिल्ली के सारे लोग हमको एक मौका दिया, हमारे जैसे आम लोग, जैसे आदिल भाई बैठा है, ठीक है, यंगस्टर है, पढ़ा लिखा है, ऐसे लोग इसके पहले, आम आदमी पार्टी के पहले कभी पॉलिटिक्स के सोच भी नहीं रखते, लेकिन आज उनको लगता है कि मुझे कुछ कर दिखाने का मौका है, और ऐसे लोगों का एंट्री ही पॉलिटिक्स को बदलेगा। और दिल्ली मॉडल ईमानदारी की मॉडल है, और एक एक पैसा लोगों का, एक एक पैसा लेके लोगों पे खर्च करने की राजनीति है, वही राजनीति जो हम लोग
बुलाते हैं दिल्ली मॉडल, वही राजनीति हम बेलगावी में भी लाएंगे, हुबली धारवाड़ में भी लाएंगे और कलबुर्गी में भी लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पृथ्वी रेड्डी साहब, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के ताल्लुक साथ तालुका के बारे में तो यही इनका नारा है कि दिल्ली बदला है, बेलगाम बदलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।